Kawasaki has done the unthinkable at the India Bike Week. ये W175 है जो पहले आई थिंक 1.6 या 1.7 लाख रुपीज़ की थी और अब इसका जो एडिशन निकाला है 1,35,000 रुपये एक्स शोरूम डेली 1.35 लाख रुपीज़ फॉर अ रियल कावासाकी। चेंजेस और भी हैं, दिस बाइक इज नाउ मेड इन इंडिया, तो आपके दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक ये वाला ग्रे है और एक ये वाला हटके जटाक वाला ग्रीन है। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंटली इस बाइक को मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स, अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। पहली वाली जो बाइक थी उस पर आपको स्पोक मिलते थे, अलॉय व्हील्स अब आए हैं, पहले स्पोक थे सॉरी, अब अलॉय व्हील्स आए हैं। तो अलॉय व्हील्स के साथ और एग्जॉस्ट के मफलर के साथ नई प्राइसिंग के साथ 1.35 लाख रुपीस एक्स शोरूम डेली फॉर द कावासाकी W175 स्ट्रीट। क्या आप लेंगे? वेल, वीडियो को लेके चलते हैं आगे, आई विल गिव यू अ क्लोज अप ऑफ द मोटरसाइकिल। All right, so a closer look at the front setup. This is a single disc. आगे पीछे आपको drum ही मिलती है. ABS of course is present because इस bike का जो engine capacity ये था, that's over 150cc. Specs के बारे में बात करूँ, वो पहले की तरह ही हैं. आपको same engine मिलता है 177cc का. It's a air cooled engine, single cylinder. 13 PS of power है, 13.2 Nm of torque है, and lightweight ज़रूर है. This motorcycle weighs just over 130 kg. So सब कुछ 133 है, चाहे इसकी power हो, चाहे इसका torque हो, चाहे इसका वेट हो. इसके अलावा मॉडर्न एलिमेंट्स इतने नहीं है, देर इज़ नो LED लाइट, देर इज़ नो DRL, बट रेट्रो थीम इसको देते हैं विद द राउंड इंडिकेटर्स कमिंग इन ओवर हेयर, राउंड नॉर्मल हेडलैम्प विद अ बिट ऑफ क्रोम, ये सारा ब्लैक वाला एरिया है, पहले भी था, सॉरी वी आर इंडिया बाइक, बहुत सारी आवाज़ है। ग्राफिक्स में थोड़ा बदलाव आया गया है, टैंक में थोड़ा ग्राफिक में बदलाव आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है, वो सिंपल रेट्रो वाली लंबी एक सिंगल सीट मिलती है। पीछे भी दीज आर नॉट LEDs, नॉर्मल ब्लिंकर्स आपको मिलते हैं, राउंड आपको इंडिकेटर्स, नॉर्मल ब्लिंकर्स यहाँ पे, नॉर्मल एक रेट्रो वाली आपको ग्रैब हैंडल मिलती है। इग्नोर दी साड़ी गार्ड, दिस इज मोर फॉर दी नॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट। अगर मैं आऊँ इस तरफ से थोड़ा क्लोजअप, इसका स्पीडोमीटर कंसोल लुक्स लाइक दिस, ऑन करके दिखाता हूँ, ऑन करा हुआ था बट बैटरी इज डिसकनेक्टेड। यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर, ओडोमीटर आता है, यहाँ पे टेलटेल लाइट्स आती हैं, नॉर्मल राउंड छोटा सा स्पीडोमीटर दिया गया है। राइट साइड पे योर इंजन कुल स्विच, योर हॉर्न, एंड लेफ्ट पे आपके इंडिकेटर्स एंड ऑफकोर्स हेडलाइट्स। दिस इज स्लाइटली मोर रेट्रो ऑल्सो, ब्लैक के अंदर मैट में फिनिश करा गया है। सो वही बाइक है बट प्राइसिंग लेस करके, अलॉय व्हील्स डाल के, पेंट स्कीम न्या करके, कावासाकी टारगेटिंग दोज हु नीड अ रेट्रो लुकिंग मोटरसाइकिल बट विद अ जापानीज इंजीनियरिंग गिवन इन। आई थिंक कावासाकी इस प्राइस पे आपको मिलती है, इट इज़ शॉकिंगली गुड। इंडियन मार्केट बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को चेंज कराती है, वो यहाँ पे हो चुका है। 1,35,000 रुपये एयर कूल्ड इंजन, सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे मिलता है। एंड अभी मैंने देखा कि ऑन द अलॉय व्हील्स स्पेशली ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं, ये थोड़ा कूल सा चीज़ है विच इज़ मिसिंग ऑन दिस कलर ऑप्शन, तो वो थोड़ा ग्रे एंड येलो में आता है, ये थोड़ा ग्रीन एंड येलो ग्रीन स्ट्राइप्स ऑन द टैंक। इसके अलावा बहुत सारा एक्शन है फ्रॉम द इंडिया बाइक वीक। उस तरफ मैंटिस की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, वो हम आपको दिखा चुके हैं, RS का प्राइसिंग आएगा, एंड अ फ्यू मोर लॉन्चेज हैपनिंग फ्रॉम ट्रायम्फ एज वेल, बट फॉर नाउ कावासाकी W175 स्ट्रीट इन द न्यू प्राइसिंग। विल यू बाय इट और विल यू नॉट बाय इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।